देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल आमिर कसाब का आज विशेष न्यायालय ने हिसाब कर दिया। उसे 5 मामलों में फांसी की सजा और 4 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब सजा सुनाने का ऐलान हुआ, जज ने उसे सजा सुनाने शुरू की, उसके पहले उससे पूछा कि कसाब आपको कुछ कहना है, तो उसने कहा नहीं। जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो अदालत में फूट फूट करके रोने लगा। कैमरामैन संजय के साथ विजय कुमार यादव, जन संदेश, मुंबई। अजमल आमिर कसाब को आज न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आज कसाब को फांसी की सजा सुनाई है, पूरा हिंदुस्तान को इस बात से गर्व है, यहाँ के लोगों को भी खुशी महसूस हो रही है कि 1.5 साल से यहाँ के लोग जो तकलीफ झेल रहे थे, आज उनको भी एक तरीके से मुक्ति मिल गई है और यहाँ के रहने वाले लोग को भी एक आज़ादी सी मिल गई है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द उनको फांसी सुनाई है, जल्द से जल्द जल्द दे देनी चाहिए और वही जगह पे देनी चाहिए जहाँ पे उसने एक खराब काम खराब कार्य किया, वहीं गेट ऑफ इंडिया के पास उनको फांसी देनी चाहिए। ये हम लोग का यहाँ के लोगों की ओर से ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। बोल दिया बस, फांसी हुआ तो अच्छा ही हुआ, लोगों को ज़रा राहत मिली और आज इतनी खुशी हुई है कि लोग अभी 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे कि उसका क्या होता है क्या होता है। आज सबके घर में टीवी भी चालू है, कुछ लोग बाहर भी आए हुए हैं और सबको मतलब बहुत ही खुशी हुई है कि अच्छा हो गया कि फांसी हो गई। ये लोग के राय में हम सहमत हैं, बस सही जैसे बोले ना ये लोग, तो वही हिसाब से बहुत ही अच्छा जज ने फैसला सुनाए और हम लोग यही चाहते हैं जी जितना जल्दी हो सके जे उनका फांसी का ये हो जाना चाहिए। हॉनरेबल जज ने जो आज फांसी की सजा कसाब को सुनाई है, पूरे हिंदुस्तान को उसमें गर्व है, पर हिंदुस्तान को गर्व उसी दिन होगा उसको फांसी 14 अगस्त के दिन गेट ऑफ इंडिया में देनी चाहिए और वो सबक उसी दिन होने से वजह से पाकिस्तान को भी सबक होगी कि हिंदुस्तान कोई चीज़ में हटता नहीं है, तो भी भारी हिंदुस्तान के पूरे लोग खुशियाँ मनाएंगे। फांसी होना चाहिए किसानों के लिए, जैसा इंडिया में आतंकवाद नहीं फैले। जो कोर्ट है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा।